हे गाइस, व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और दोस्तों, आज हम यहां पर रिव्यू करने वाले हैं Asus VivoBook Pro 14X OLED का। और ये जो लैपटॉप है, जैसा आप देख सकते हो, वैसे तो काफ़ी पतला थिन लाइट वेट लैपटॉप है, ऑब्वियसली ये अल्ट्रा बुक है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसमें एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी दिया हुआ है। और ये जो लैपटॉप है, इससे यहाँ पर Asus उन लोगों को टारगेट कर रहा है जैसे कि जो क्रिएटर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, और यहाँ पर जैसे वीडियो एडिटिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर ये अल्ट्रा थिन लाइट वेट लैपटॉप होने के बावजूद काफ़ी पावरफुल है। और मेरे पास यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, ये 14 इंच वेरिएंट है, इसके अलावा ये 16 इंच वेरिएंट के साथ भी आता है। और जैसा इसके नाम में है, यहाँ पर ये जो लैपटॉप है ये OLED स्क्रीन के साथ आता है, और देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छा खासा दिखता है। तो ये जो मेरे पास लैपटॉप है, इसमें आपको राइजन प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, लेकिन यही वेरियंट्स आपको यहाँ पर इंटेल प्रोसेसर के साथ भी देखने को मिल जाएंगे। और मेरे पास ये जो लैपटॉप है, इसमें राइजन 9 5900HX प्रोसेसर है, जो कि एक 8 कोर 16 थ्रेड प्रोसेसर है। यहाँ पर 3.3 GHz की यहाँ पर बेस क्लॉक स्पीड रहती है, और 4.6 GHz की यहाँ पर जो बूस्ट क्लॉक स्पीड रहती है। और उसके अलावा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर इसमें आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी दिया हुआ है। तो इस लैपटॉप में आपको NVIDIA GeForce RTX 3050 यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो 3050 वाला वेरिएंट है, यहाँ पर ये लो TGP के साथ आता है, तो यहाँ पर 40 वॉट की TGP है। लेकिन यहाँ पर इस लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है गेमिंग वाइज, मैं बोलूंगा कि वो भी काफी सही है, लेकिन उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। उसके अलावा ये जो वेरिएंट है, यहाँ पर आपको 16 GB रैम मिलेगी, 32 MHz पर क्लॉक्ड है। उसके अलावा स्टोरेज की बात करें तो 1 TB की M.2 NVMe PCIe Gen 3 यहाँ पर आपको SSD मिलती है, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0। उसके अलावा इस लैपटॉप में जो बैटरी है वो है 63 Wh की, और यहाँ पर ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ इस लैपटॉप की, तो यहाँ पर आपको जो डिजाइन है काफी सिंपल क्लीन सा देखने को मिलता है। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि काफी थिन पतला सा लैपटॉप है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी सही है। पूरी जो बॉडी है यहाँ पर ये मेटल की है, और काफी क्लीन सा डिजाइन है। और इसका जो टोटल वेट है वो यहाँ पर है सिर्फ 1.45 kg। लेकिन इस लैपटॉप की जो सबसे खास चीज है वो है इसकी स्क्रीन। यहाँ पर आपको 14 इंच की OLED स्क्रीन देखने को मिलती है। जैसा आप देख सकते हो, जो कलर्स वगैरह है वो ऑब्वियसली OLED स्क्रीन में आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो है 2.8K। और उसके बाद यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है वो है यहाँ पर 90Hz का। तो हाई रेजोल्यूशन 90Hz की यहाँ पर OLED स्क्रीन है, वो जैसा आप देख सकते हो भाई काफी अच्छी लगती है। और OLED स्क्रीन होने की वजह से यहाँ पर जो कलर एक्यूरेसी है इस लैपटॉप की, वो भी यहाँ पर बहुत ही सही है। और जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मुझे यहाँ पर जो कलर एक्यूरेसी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। और ये जो स्क्रीन है ये 100% DCI-P3 कलर गैमेट के साथ आती है। और यहाँ पर sRGB की वैल्यूज की बात करें तो 133% है। और उसके बाद ये जो डिस्प्ले है ये Pantone वैलिडेटेड है, तो कलर एक्यूरेसी वाइज ये जो डिस्प्ले है काफी कमाल का है। और उसके बाद यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो आपको यहाँ पर 600 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो काफी ब्राइट है इंडोर भी और आउटडोर भी। और उसके बाद इसके कीबोर्ड और ट्रैकपैड की तरफ आए तो कीबोर्ड जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पर चिकलेट स्टाइल का कीबोर्ड है। यहाँ पर आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये जो कीबोर्ड है ये बैकलेट कीबोर्ड है। और कीबोर्ड की जो परफॉर्मेंस है बोलूंगा काफी सही है, काफी टेक्टाइल यहाँ पर जो बटन है, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे काफी सही है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑरेंज एक्सेंट देखने को मिलता है जो एस्केप की है, और साथ में इसी कीबोर्ड में आपको इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर अगर ट्रैकपैड की तरफ आते हैं तो ट्रैकपैड यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो, जो इसका साइज है वो काफी अच्छा खासा है, काफी बड़ा है। और ट्रैकपैड की परफॉर्मेंस में बोलूंगा काफी सही है, ग्लास ट्रैकपैड है तो यहाँ पर काफी प्रिसाइज है, और जितने भी जेस्चर्स वगैरह रहता है वो काफी अच्छे से सपोर्ट कर लेता है। लेकिन इस ट्रैकपैड में आपको यहाँ पर एक डायल सा भी दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर आप कोने से इसको स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आपके ट्रैकपैड पे एक वर्चुअल सा डायल आ जाता है। और इस डायल को यूज करके आप यहाँ पर अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी फीचर्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि विंडोज में आप यहाँ पर ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, और अगर आप फोटोशॉप यूज करते हो तो वहां पर आप ब्रश साइज बढ़ा सकते हो, या फिर लेयर्स वगैरह स्विच कर सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे जो फीचर्स हैं आप इस डायल के थ्रू जो कर सकते हो। तो डायल के जो फीचर्स हैं मैं बोलूंगा काफी सही है, और बहुत ही इजी हो जाता है यहाँ पर काम वगैरह करना इस डायल के थ्रू। और इसी तरह के जो डायल्स है आपको यहाँ पर स्टूडियो बुक्स में देखने को मिलता है, लेकिन वो वहाँ पर फिजिकल डायल है, यहाँ पर आपको वर्चुअल डायल दिया हुआ है। और इस डायल को अगर आपको कस्टमाइज करना होगा तो यहाँ पर आर्ट क्रिएटर हब करके एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो उसके थ्रू आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक 720p का कैमरा दिया हुआ है, 1080p का होता तो थोड़ा सा बेटर रहता, लेकिन इसके जो क्वालिटी है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और वेब कैमरे की क्वालिटी जैसा आप देख सकते हो वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलती है। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 720p का आपको यहाँ पर कैमरा दिया हुआ, 1080p का होता तो थोड़ा सा और बेटर रहता, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर अगर वेब चैट्स वगैरह करना चाहते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये वेब कैमरा से आप कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर कलर वगैरह जैसा आप देख सकते हो तो थोड़ा सा येलो इस साइड पे है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी डिसेंट ये वेब कैमरा है। और उसके बाद यहाँ पर माइक्रोफोन्स की जो ऑडियो क्वालिटी है वो आप सुन सकते हो कैसी है, और ऑडियो क्वालिटी मैं बोलूँगा कि माइक्रोफोन्स की काफी सही है। और यहाँ पर मैं एक बार टाइप भी कर देता हूँ तो आप बैकग्राउंड में सुन सकते हो कि यहाँ पर जो टाइपिंग करते टाइम कैसी आवाज आती है। तो कैसे लग रही है आपको यहाँ पर वेब कैमरे और माइक की क्वालिटी, मुझे कमेंट करके बताओ। तो वेब कैमरे की क्वालिटी जैसा आपने देखा। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इन लैपटॉप के स्पीकर्स के बारे में बात करूं तो इस लैपटॉप में आपको यहाँ पर हरमन कार्डियन के यहाँ पर स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, डाउन फायरिंग स्पीकर है, और जो स्पीकर्स हैं वो काफी सही है, काफी लाउड है, और अगर आप किसी फ्लैट सर्फेस पर रखते हो तो ऑब्वियसली काफी अच्छे खासे आपको यहाँ पर स्पीकर सुनने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसके आईओ पोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर राइट साइड में आपको 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट देखने को मिलता है, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C भी पोर्ट दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर एक HDMI 1.4 का पोर्ट है, और यहाँ पर आपको एक माइक्रो SD कार्ड
का भी स्लॉट दिया हुआ है, साथ में आपको हेडफोन जैक और डीसी इन का पोर्ट है। उसके बाद लैपटॉप के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर दो यूएसबी 2.0 टाइप ए यहाँ पर आपको पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो 2.0 यहाँ पर आपको पोर्ट्स मिलते हैं, मुझे लगता है कम से कम यहाँ पर 3.0 के पोर्ट्स होने चाहिए थे। 2021 या फिर मैं बोलूँ 2022 में भी आपको यहाँ पर लैपटॉप में यूएसबी 2.0 दिया हुआ है, तो ये एक चीज है जो मुझे सही नहीं लगी। और उसके बाद ऑब्वियसली आपको इस लैपटॉप में थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट नहीं दिया गया, यहाँ पर आपको इंटेल वेरिएंट्स में आपको थंडरबोल्ट 4 मिलेगा। तो ये तो बात हुई क्या क्या मिलता है इस लैपटॉप में, लेकिन अब बात करें इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस के बारे में। तो जैसे मैंने बताया इसमें आपको राइजन 95900HX प्रोसेसर देखने को मिलता है, और साथ में आपको यहाँ पर एनवीडिया RTX 3050 ग्राफिक कार्ड भी दिया गया है। और इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर जो ये पतला थिन लैपटॉप है इसमें यार आपको जो परफॉर्मेंस मिल रही है वो भाई काफी कमाल की मिल रही है। सबसे पहले तो अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो मेरी तरह या फिर एक कंटेंट क्रिएटर भी हो तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फोटोशॉप हो गया या फिर प्रीमियर हो गया तो वहां पर आप भाई काफी अच्छे से स्मूथली काम कर सकते हो। और अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है 4K तक भी वीडियो एडिटिंग काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है और टाइमलाइन वगैरह काफी स्मूथ रहती है। तो मुझे यहाँ पर इस लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस में किसी तरह का कोई इशू फेस नहीं हुआ है, तो परफॉर्मेंस वाइज काफी सही है। लेकिन जो लोग बेंचमार्क्स वगैरह जानना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ मैंने बेंचमार्क्स रन किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 3D मार्क में जो आपको फायर स्ट्राइक में जो स्कोर देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं 9215, टाइम स्पाइक के जो स्कोर है वो है 4158, और उसके बाद यहाँ पर जो PC मार्क 10 के जो स्कोर्स हैं वो है 6000 से अबव, तो ये भी काफी अच्छे खासे स्कोर्स हैं। गीक बेंच स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर है 1529, मल्टी कोर स्कोर है 7351, तो ये काफी अच्छे स्कोर्स हैं। उसके बाद सिनेबेंच R23 में आपको यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर जैसा आप देख सकते हो 1486, और मल्टी कोर स्कोर है यहाँ पर 12230, ये भी काफी अच्छे स्कोर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर SSD के बेंचमार्क स्कोर्स की बात करूं तो रीड स्पीड है यहाँ पर 3.5 GB की, और यहाँ पर जो राइट स्पीड है वो है ऑलमोस्ट 3 GB की। तो मेरे ख्याल से बेंचमार्क स्कोर वाइज आपको आइडिया हो गया होगा कि इतने पतले थिन लैपटॉप होने के बावजूद यहाँ पर जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं या फिर इस लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होगी। लेकिन जैसा आपको पता है इस लैपटॉप में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी दिया हुआ है RTX 3050, तो ऑब्वियसली इसको गेमिंग में मैंने टेस्ट किया है। इस GPU के साथ आप बहुत ज्यादा तो ऐसे हाई एंड या फिर हाई FPS वाली तो गेम नहीं खेल पाओगे, लेकिन कैजुअल गेमिंग के हिसाब से यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ट्राई करी है GTA 5, और यहाँ पर मैंने इसको हाई और वेरी हाई सेटिंग पे रखा हुआ है, और यहाँ पर जो फ्रेम रेट्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 90-110, और यहाँ पर अगर मैं थर्मल की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 70-75 डिग्री के करीब रहता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो नेक्स्ट गेम ट्राई करी है वो है शैडो ऑफ द टूम राइडर, हाई सेटिंग पे मैंने रखा हुआ है, और यहाँ पर जो फ्रेम रेट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 50-60 के बीच में, कभी कभी 70 भी मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो थर्मल की परफॉर्मेंस है 65-70 के बीच में रहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट गेम है वो है रेड डेड रिडेम्पशन 2, और यहाँ पर मैंने इसको मीडियम सेटिंग पे रखा हुआ है, DLSS को मैंने ऑन किया हुआ है, और यहाँ पर जो फ्रेम रेट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 60-65 के बीच में, और यहाँ पर जो थर्मल्स की परफॉर्मेंस है वो भी जैसा आप देख सकते हो 65-70 के बीच में रहते हैं, तो ये काफी सही है। और उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट गेम है वो है फार क्राई 5, और ये काफी CPU इंटेंस गेम रहती है, तो यहाँ पर आपको प्रोसेसर की जो थर्मल्स की परफॉर्मेंस उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पर जो फ्रेम रेट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 50-60 के बीच में, हाई सेटिंग पे रखा हुआ है, और यहाँ पर जो थर्मल्स की परफॉर्मेंस है जैसा आप देख सकते हो वो है यहाँ पर 80-85 डिग्री के करीब। और उसके बाद जो लास्ट गेम है वो यहाँ पर है साइबरपंक, और ऑब्वियसली ये जो गेम है काफी हाई ग्राफिक इंटेंस गेम है, और यहाँ पर हम इसको हाई सेटिंग में ट्राई करेंगे। DLSS को मैंने ऑन किया हुआ है, रेट्रेसिंग भी मैंने यहाँ पर ऑन की हुई है, और यहाँ पर जो फ्रेम रेट मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 50-60 के बीच में, और मैं बोलूंगा कि इस ग्राफिक कार्ड के साथ आपको ये जो फ्रेम रेट्स मिल रहे हैं वो भी काफी सही है, और यहाँ पर थर्मल्स की परफॉर्मेंस रहती है जैसा आप देख पाओगे 70 डिग्री के करीब। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस लैपटॉप की जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है काफी थिन लाइट वेट होने के बावजूद यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफी सही लगी है, और यहाँ पर आप कैजुअल गेमिंग तो डेफिनेटली इसमें कर सकते हो। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर ये जो लैपटॉप है Asus VivoBook Pro 14X काफी सही लगा है, और इस लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली यहाँ पर एक तरह से मैं बोलूँगा कि ऑलराउंडर की तरह है। आप इसमें ग्राफिक का वर्क कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, और ऑब्वियसली यहाँ पर आप गेमिंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके कुछ कॉन्स की बात करूँ तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको जो पोर्ट सिलेक्शन है, जैसे आपको कुछ 2.0 के पोर्ट दिए हैं, 3.0 होते तो थोड़ा सा बेटर रहता। और उसके अलावा यहाँ पर इसकी जो अपग्रेडेबिलिटी की बात करें तो जैसे मैंने बताया इसमें आपको 16 GB की यहाँ पर रैम दी हुई है, और अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हो तो आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते हो क्योंकि ये जो रैम है यहाँ पर ये मदरबोर्ड पर ही सोल्डेड है, लेकिन 16 GB भी काफी इनफ होता है अगर आप कैजुअल गेमिंग कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर सिंगल SSD स्लॉट है जो कि ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, 1 TB यहाँ पर SSD लगी हुई है, तो अगर आप SSD वगैरह को भी इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आप 2 TB तक इंक्रीज कर सकते हो, उसके बाद आप इसको अपग्रेड नहीं कर पाओगे। बट उसके अलावा ये जो लैपटॉप है काफी अच्छा दिखता है, काफी अच्छी खासी स्क्रीन है, परफॉर्मेंस वाइज काफी बढ़िया है, और मुझे ये लैपटॉप भाई काफी सही लगा, और इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर है आई थिंक 1,10,000 के करीब। तो अगर आपको एक थिन लाइट वेट गेमिंग या फिर वर्किंग वाला लैपटॉप चाहिए तो मेरे को लगता है कि आप इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हो, पर्सनली मुझे काफी सही लगा। तो ये है Asus VivoBook Pro 14X, आपको कैसे लगा ये लैपटॉप मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा।